हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मिथिला आईएएस एकेडमी, दैट इज एमआईए। आज ये हमारी एनवायरनमेंट की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम एनवायरनमेंट का कुछ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए, आप कहाँ से एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं और एनवायरनमेंट का अभी तक यूपीएससी में क्या ट्रेंड रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है। हम ये तीनों चीजें आज इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला है सोर्सेज फॉर सब्जेक्ट, मतलब आप एनवायरनमेंट को कहाँ से पढ़ सकते हैं, और दूसरा है ट्रेंड ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एनवायरनमेंट के अभी तक प्रीलिम्स और मेंस में कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, शंकर आईएएस की बुक सबसे बेस्ट होती है एनवायरनमेंट के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको दूसरी कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसमें लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं, सफिशियंट है यूपीएससी के लिए और ये आपको अच्छे मार्क्स गेन करवा सकती है। 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी के हमें एक दो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेरी वीडियोस भी एज अ सोर्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, रेलेवेंट नॉलेज मिलेगी इसमें आपको। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, वहां से आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर सकते हैं। साल भर में जितना भी एनवायरनमेंट का आएगा वो डेली बेसिस पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओनली आईएएस का एडिटोरियल आता है रोज, तो आप उसको देख सकते हैं जाकर। अगर मैं बेस्ट वे की बात करूं एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ा आइडिया तो यही रहेगा कि अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग में पहले पढ़ लीजिए, या आपने कोर्स ले रखा तो पहले किसी भी टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जिस टॉपिक पे आपने वीडियो देखी वही टॉपिक आप किसी बुक से पढ़िए। मैंने पहले बोला शंकर आईएएस बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो आप उसी को प्रेफर करिए। तो शंकर आईएएस से आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आपको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस फिर रिवीजन करना होगा बार बार, ताकि आप उस चीज को रिमेम्बर कर सकें, याद रख सकें और प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। करंट अफेयर्स का मैंने पहले बोला है कि आप यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जहां पे आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपना रोज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ट्रेंड देख लेते हैं। 2014 में प्रीलिम्स में एनवायरमेंट से 17 क्वेश्चंस आए थे, 2015 में 10 क्वेश्चंस आए थे, 2016 में 18 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में 11 क्वेश्चंस, 2018 में 13 क्वेश्चंस और 2019 में 11 क्वेश्चंस। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो एनवायरमेंट से लगभग हर साल हम 13 से 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन 13 से 15 एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। भाई अगर हम मेंस की बात करें तो 2014 में 25 मार्क्स का आया था, 2015 में 25 मार्क्स का, 2016 में 25 मार्क्स का, 17 में 25 मार्क्स का, 2018 में 55 मार्क्स का आया था, 2019 में 25 मार्क्स का। मेंस में हम क्वेश्चंस की बात नहीं करते, हम लोग मार्क्स के बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि मेंस में कोई क्वेश्चंस 5 नंबर का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, तो इसीलिए मार्क्स मैटर ज्यादा करता है कि कितने मार्क्स का ओवरऑल एनवायरमेंट का मेंस में आया है। बाकी ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट को पूरी तरीके से डिसोसिएट करना पॉसिबल नहीं है, ये बताना कभी तरह मुश्किल हो जाता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, एनवायरमेंट का था या किसी और चीज का था, इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो 25 मार्क्स का 2015-16-17 एंड 18 में 55 मार्क्स का, 19 में 25 मार्क्स का आया था, तो हम इसमें भी लगभग 25-30 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही के लिए, और इसीलिए यूपीएससी में हमें एनवायरनमेंट काफी अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, इसीलिए एनवायरनमेंट को हम लोग काफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने एनवायरनमेंट का सिलेबस देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ये एक ब्रॉड सिलेबस है, इसमें काफी अभी सब टॉपिक्स भी हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इकोलॉजी को जानेंगे, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम,
टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ेंगे। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी शेड्यूल एनिमल्स ऑफ WPA 1972। मैंने पहले बोला है कि आपको टॉपिक देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मरीन ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। उसके बाद क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर एक्शन पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एनवायरमेंटल इशूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एनवायरमेंट में। तो आई होप कि आपको एनवायरमेंट का एक अच्छा ब्रॉड व्यू मिल गया होगा कि एनवायरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत होती है। और इस वीडियो में हम लोगों ने एनवायरमेंट के सोर्सेस देखे, ट्रेंड देखा और सिलेबस देखे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।